वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक एक साल का पूरा गैप हो गया, मैंने अपने चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है थैंक्स टू द पैंडमिक कोविड, जिसकी वजह से बाहर आना जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था एंड आई वॉज स्टक विद माई सम वर्क। तो मैंने सोचा चलो एक ब्रेक भी ले लेता हूँ। सो दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज आई एम सेइंग बाय बाय टू माई वेरी लिटिल वन ट्रू ट्विन। यस, आप लोगों को ब्लॉग का टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि ये ब्लॉग किसके बारे में है एंड सीरियसली आई एम सेइंग बाय बाय टू माय दिस बीस्ट अ लिटिल बीस्ट विद क्लासिक ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन 2018 मॉडल। जो अपनी ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्विन है मेरे पास पिछले दो साल और कुछ महीनों से है एंड दिस बाइक रियली गेव मी अ लॉट्स ऑफ मूवमेंट। काफ़ी स्पेशल रही है ये बाइक मेरे साथ, काफ़ी अच्छी राइड्स के मूवमेंट है मेरे साथ इसके। मेरी पहली सुपर बाइक, वो बाइक बोल सकते हैं जो कि मोर देन 500 सीसी है। दिस इज 900 सीसी, 55 हॉर्स पावर एंड 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हेल लॉट ऑफ बाइक के बारे में बता दूं, बाइक ज़्यादा अगर स्टॉक ही है। व्हाट आई हैव सीन, आई हैव इंस्टॉल दिस वैनसन हाइंस का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट विद साउंड्स रियली वेरी ग्रेट। द LED इंडिकेटर्स जो कि क्लास अपार्ट है, मैं इसको चला के भी बता देता हूँ आप लोगों को। इफ़ यू कैन सी द व्यू, पहले जो इंडिकेटर्स आते थे वो काफ़ी सिंपल बल्ब इंडिकेटर आते थे, बट दीज इंडिकेटर्स आर वेरी प्रीमियम फ्रॉम ट्रायम्फ इटसेल्फ। और हैंडल बार राइजर मैंने थोड़ा कंफर्ट ऐड करने के लिए इसमें लगवाया था और सैडल बैग स्टे, दैट्स इट। तो ये कुछ मॉड मैंने अपनी ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन में किए थे। बाकी बाइक इज़ वेरी गुड, परफॉर्म्स गुड, टॉकी मशीन। टू राइड दिस बाइक फॉर द वेरी लास्ट टाइम आई एम गोइंग स्ट्रेट टू द ट्रायम्फ शोरूम जो कि अंधेरी में है, कॉल्ड द शमन ट्रायम्फ, एंड वहाँ पे जाके आप लोगों को बताऊँगा कि विच बाइक आई एम गोइंग टू राइड इन माई फ्यूचर। सो बने रहिए ब्लॉक के एंड तक। राइट नाउ आई एम इन शमन ट्रायम्फ और आई विल नॉट टेक ज़्यादा टाइम टू डिस्क्लोज माई अपकमिंग बाइक। देखना चाहते हो? The Triumph Triple RS, but I'm not buying this. This is the Triumph Tiger GT base variant, and I'm also not buying this. This is the again one more variant. Beautiful color, they're not matte. This is metallic RS again. Not buying. After these two beauties, ek meri hai bhai. So I'm buying the Triumph. New 2020 Street Triple R, not RS. This is the RS, this is the RS, and this is the R. The biggest difference, the RS gave you 123 horsepower and this one gives you 118 horsepower. Here the torque of R and RS are same, that is the 78 newton meter. Biggest difference, you will get a color LCD display in the RS, where in the R there is no color LCD display. You can see a half digital analog display in the R model. My choice, काफ़ी लोग बोलेंगे कि why not Tiger, first out of budget and second इतने ride पर नहीं जा रहा हूँ आजकल, और सोचा कि चलो इस बार थोड़ा परफॉर्मेंस फ्रीक मोटरसाइकिल चलाते हैं एंड आफ्टर 3-4 ईयर्स यू डोंट नो फिर से एक बार चेंज हो जाए। सो टारगेट रखते हैं 3-4 साल के बाद, तब तक वी विल एंजॉय आवर स्ट्रीट ट्रिपल। सेइंग बाय टू द स्ट्रीट ट्विन, लास्ट मोमेंट द स्ट्रीट ट्विन, बाय बाय ट्विन, विल सी यू सून बेबी। आई सबमिटेड माय स्ट्रीट ट्विन, हैंडेड ओवर टू द शमन ट्रायम्फ नाउ। अभी कैब करके घर में और पज की वाला All good, bhaji. Oh, so it was a tiring day, obviously. Tiring day क्यों? आप लोगों को पता चल गया होगा कि भैया भाई साहब ने तो Triumph Street Twin चेंज कर दी है, एक्सचेंज कर दी है Triumph की ही Street Triple R से. But क्यों? Why? So तो पहला मेरा आंसर है क्योंकि चेंज करते रहना ही जीवन का आसार है,
जस्ट किडिंग, काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि नहीं, आई वॉन्ट अ मोर पावरफुल बाइक, अ मोर यू नो ट्रैक ओरिएंटेड, या जिसमें पावर इमेंस भरा हो. कहीं ना कहीं स्ट्रीट ट्विन में मैं वो लैक कर रहा था. दो द स्ट्रीट ट्विन वॉज अ वेरी गुड बाइक, आप उसे डेली कम्यूट के लिए चलाएं, हाईवे राइड्स कीजिए, और उस जो टॉक है उसका 80 nm का टॉक, दैट इज़ तो भैया आउट ऑफ द वर्ल्ड. बट कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर का राइडर था, ही वॉज इन सर्च ऑफ समथिंग लाइक ब्रिलियंट्स. तो हुआ यूं, मैं लेके गया अपनी स्ट्रीट ट्विन सर्विस सेंटर. वहाँ से वापस आते टाइम मैंने सोचा चलो क्यों ना एक कप कॉफ़ी ही हो जाए अपने ट्रायम्फ के शोरूम शमन में, जो कि अंधेरी में है. वहाँ पे गया तो वहाँ पे भाई कुछ डील मुझे ऐसी मिली और कुछ क्लिक ऐसा हो गया कि मैंने बोला चलो लेट्स गो फॉर इट. इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा ट्रायम्फ शोरूम शमन, काफ़ी अच्छी डीलरशिप है, एंड प्लस जिस हिसाब से वो मतलब कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, उनकी एक एक चीज़ नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ रियली वेरी हैट्स ऑफ. एंड उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता कि भैया तुम तो टूरिंग करते हो, तुमने टाइगर क्यों नहीं लिया? तो भाई सीधा सा हिसाब है, नो बजट ऑफ द टाइगर, बिकॉज इन मुंबई टाइगर 900 GT मुझे पड़ती है कुछ 17 lakhs. तो उतना तो मेरा भैया बजट नहीं था, क्योंकि कुछ घर के भी सरकमस्टांसेस होते हैं, तो मतलब कहीं से भी अलाउ नहीं होता कि भैया इतना तुम स्ट्रेच कर लो. उसके बाद मुझे खुद पता है कि मैं आने वाले 3-4 साल में राइड, लॉन्ग राइड जो कि टाइगर के लिए ही बने हैं, जिसके लिए टाइगर बना है सॉरी, उस टाइप की राइड्स नहीं कर पाऊँगा, स्पेशली विद माई पिलियन. तो मैंने सोचा क्यों ना 3-4 साल एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल, जिसको हम नेकेड स्ट्रीट्स बाइक या रोडस्टर भी कह सकते हैं, वो ही चला के देख लिया जाए. तो फिर उधर एक क्वेश्चन अटका कि भैया RS और RRR. तो बाद में फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैया बजट बजट बजट. देन आई अगेन कंपेयर्ड द R विद द RS. तो मुझे पता चला कि भैया R और RS में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. है फ़र्क है, बिकॉज 5 BHP का फ़र्क बहुत होता है एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट के लिए. बट R 118, RS 123, तो समवेयर मैनेजेबल, मैं कर लूँगा मैनेज. उसके बाद न्यूटन मीटन 79 इक्वल, ठीक है 80 nm के टॉक से 79 पे आना समझ आ रहा है, एंड 55 horsepower के टॉक हॉर्स पावर से 118 horsepower पे आना बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है. तो RS में आपको मिल रहा है 5 riding modes, R में 3 है, RS में आपको LCD डिस्प्ले मिल रहा है मोबाइल फ़ोन की तरह, जबकि R में आपको हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग मिल रहा है, जबकि दैट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन. उसके बाद इंजन बैली पैन इज़ मिसिंग इन R, टेक्सचर्ड सीट्स आर मिसिंग इन R. बट सबसे अच्छी बात क्या है कि R और RS में दोनों में ही बाई डायरेक्शनल आपके क्विक शिफ्टर्स हैं, ठीक है. तो आप लगा लो अब अंदाज़ा कि भैया बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, जो कि एज एन असेसरीज दूसरे कंपनीज देती है अपनी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल में, इसमें वो R और RS दोनों में स्टॉक आ रहा है. एंड मेजर डिफरेंस और डिफरेंस की बात करें तो टायर्स RS मोर ट्रैक ओरिएंटेड, R स्ट्रीट ओरिएंटेड. तो ऑब्वियसली भैया मैं ट्रैक पे तो इतना इसको घुमाऊंगा नहीं, थोड़ा लाइफ स्पैन भी ऊपर जाना चाहिए. तो R ब्रेकिंग की बात करें, बोथ आर यूजिंग द एक्सीलेंट ब्रेम्बोस, बट RS इज यूजिंग द M50s, एंड R इज यूजिंग सम M4. तो मतलब RS टॉप नॉच, R. तो भैया अभी तकरीबन 10-12 दिन लग जाएगा R की डिलीवरी के लिए, एंड आई टेल यू वन थिंग, R की डिलीवरी काफ़ी यूनिक होने वाली है मेरे हिसाब से. देखते हैं आगे क्या चलता है, अब रहा नहीं जा रहा है. स्ट्रीट ट्विन चली गई है, R आने वाली है, तो एक वीडियो मैंने सोचा बहुत टाइम से बना भी नहीं था, तो ये आप लोगों के लिए. सो स्टे कनेक्टेड, चैनल को देखते रहिए. आई जस्ट विश कि अब मैं करता रहूँगा, डालता रहूँगा, कुछ ना कुछ डालता रहूँगा, मतलब दूसरे यूट्यूबर्स से सीख रहा हूँ. बट मोर ओवर मुझे क्या है कि भाई आई एम यूजिंग यूट्यूब एज माई मेमोरी का भी, मेमोरी के लिए भी बोल सकती हूँ, बिकॉज द यूट्यूब इज़ अ ग्रेट ग्रेट प्लेटफॉर्म टू सेव योर वीडियोज़, टू सेव योर मेमोरीज, और टू इंटरेक्ट विद द सेम सिंगल पैशन जो शेयर करते हैं, उन बंदों से इंटरेक्ट करने का भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है. सो गाइज यही था आज के व्लॉग में, एक्सचेंजिंग माई स्ट्रीट ट्विन और लास्ट डेज विद माई स्ट्रीट ट्विन. अब आपसे मिलते हैं
स्ट्रेट ट्रिपल आर की डिलीवरी का टाइम है. तब तक राइड हार्ड, राइड सेफ, डू वेयर हेलमेट्स, डू वेयर सीट बेल्ट्स. सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय.